बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पन्ना क्षेत्र के राजनेताओं को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि नेता वोट बैंक की राजनीति करना बंद करें और विकास के लिए कार्य करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पन्ना के सिमरिया में भक्तमाल कथा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजनेताओं को नसीहत दे डाली। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर ने कहा कि पन्ना जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है, यहाँ पलायन बहुत है, जबकि पन्ना जिले में बहुत ही कीमती वस्तुएं पाई जाती हैं। ग्रामों में पहल करनी चाहिए। उन्होंने राजनेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें विकास भी देखना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगभग 2 घंटे तक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल रहे, जहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण उनके दर्शन करने के लिए उमड़। हम रसिकाचार्य धाम श्री धाम वृंदावन के रसिक, हम सब बुंदेलखंड के गौरव पूज्य श्री गोरीलाल कुंड वाले महाराज श्री जी के मुखारविंद से सिमरिया में भक्तमाल की गाथा गाई जा रही है। उसमें भारत के सभी दिव्य संत पहुंचे हैं और इस स्थान भूमि पर श्री धाम वृंदावन की बहु प्रसिद्ध पूरे क्षेत्र में और पूरे भारत वर्ष में जो प्रसिद्ध रास लीला है, उसके रासाचार्य पूज्य श्री भैया जी महाराज विराजमान है। सब संत आ रहे हैं, हमारे जैसा नालायक दास भी आया हुआ है। ये प्रभु की कृपा है। पूरे क्षेत्र को यही कहना है, सिमरिया पन्ना जिले के लोगों को, कि आप सब दर्शन करके संतों का आशीर्वाद लें, हिंदुओं में एकता रखें। पन्ना जिला बड़ा ही पिछड़ा और बिछड़ा जैसा प्रतीत होता है, पलायन बाद बहुत ज्यादा है, बल्कि सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में कीमती वस्तुएं पन्ना जिले में ही पाई जाती हैं। तो नेताओं को पन्ना जिले के गांवों पर ध्यान देना चाहिए, वोट बैंक भर नहीं लेना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।